इमाम अली अलैहि सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, वो कौन से लोग हैं जो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार होते हैं? इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पे सिर्फ दो किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जो शुक्र करते हैं और दूसरे वो जो शिकवा करते हैं। जो शिकवा करते हैं वो अपने हाथों से अपनी नेमतें कम करते हैं और दिन ब दिन मुफलिसी और परेशानी में गिरफ्तार रहते हैं। उस शख्स ने कहा, या अली, वो कौन से शिकवे हैं, वो कौन सी शिकायतें हैं जो इंसान करता है तो इंसान पे परेशानी आ जाती है? बस बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर खुश रहना चाहते हो तो इन छह चीजों की शिकायत कभी ना करना। पहला, अपनी किस्मत की शिकायत कभी ना करना। जो इंसान अपनी किस्मत की शिकायत करता है तो कुदरत उसका नसीब बिगाड़ देती है और आने वाली नेमतें भी उससे मुनरिफ हो जाती है। दूसरा, औलाद के सामने अपने बड़ों की शिकायत ना करना। जब कोई औलाद के सामने अपने बड़ों की शिकायत करता है तो वो ये समझ ले कि आने वाले वक्त में उसकी भी औलाद अपने बच्चों के सामने उसकी शिकायत करेगी। तीसरा, अपने घर की कभी शिकायत ना करना। जिस जमीन पे इंसान रहता है, जो इंसान उसकी शिकायत करता है तो वो जमीन उसे बददुआ करती है। चौथा, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की शिकायत ना करना। जो इंसान ऐसा करता है उसकी कामयाबी उससे खफा हो जाती है। पांचवा, गैर के सामने कभी अपने दोस्त की शिकायत ना करना। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वो सच्चे दोस्त को तरसेगा। और छठा, रुखसत होने के बाद अपने मेहमान की शिकायत ना करना। जब मेहमान आता है तो वो इंसान के घर के लिए खैर, बरकत और सुकून लेके आता है और जब जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जाओ, जहां ये मेहमान रहा उस घर में खैर, बरकत और सुकून दे के आओ। लेकिन जब इंसान मेहमान के जाने के बाद उसकी शिकायत करता है तो फरिश्ते अल्लाह की दरबार में शिकायत करते हैं कि ए अल्लाह, इस तेरे बंदे के घर जो मेहमान आया, ये इंसान मुनाफिक बन के उसकी खुशामद तो कर रहा था लेकिन दिल में तेरे उस बंदे के लिए नफरत रखता है, तो यूं उसके घर से बरकत, खैर और सुकून खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है।